वेलकम गाइस, स्वागत करते हैं माय यूट्यूब चैनल सतुलामा ब्लॉग में, सबको स्वागत करते हैं। और देखिए गाइस, और यहाँ पे रास्ते में इतना सारा सेब लगा हुआ है और आज हम जा रहे हैं गांव के रास्ते में। आज हमारे साथ है आने पेमल नामो और चुडन, हाँ पेमल चुडन जी है। आज हम जा रहे हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे किसका दर्शन था, लोजा रुम्बुशे का, शिव जी का दर्शन। और रास्ते में देख सकते हैं, ओह इतना सारा सेब है, वो जबरदस्त। और हम जा रहे हैं गाइस और कुछ ही देर में आप मिलेंगे और लोजा रुम्बुशे का शिव जी आपको दिखाने वाला। आज हम स्पेशली आज दिन निकाल के और हम जा रहा था और यहाँ पे आपको कुछ हट के वीडियो दिखाने वाला है। हम जा चुके हैं विष्णु देवता जी के यहाँ पे कोठी में, यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये है विष्णु शिव है, यहाँ पे विष्णु देव देवता जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रकार से है यहाँ पे रारा गांव में। और हम जा रहे हैं आज लोजा रिम्पोर्चे का शिव जी दर्शन करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं अनिपेमा लामो, हमारा लामा गाओंग जी का घर है, तो इनका घर में अंजीर पका हुआ है। चलो चुपचाप से चलते हैं खेतों में और किसी को पता भी नहीं है गाइस, मगर सत्तू लामा जाएगा खेतों में, आज अंजीर खाने वाला है। ओए 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 ओए, देखिए ये है अंजीर, मगर ये पका नहीं, हमें चाहिए पका वाला। ओए मिल गया गाइस, ये देखो पका अंजीर, ये पका हुआ अंजीर है। गाइस काफी टेस्टी अंजीर पक चुके हैं, चलो अब चलते हैं यहां से। रास्ते में नाशपति मिल गया, तो एक नाशपति खाना जरूरत है, अगर नाशपति नहीं खाएंगे तो हमारा पेट पूजा नहीं पा। गाइस काफी टेस्टी है, चलो इसको तोड़ के ले जाता हूँ। सो गाइस हम लगभग पहुंच चुके हैं, हम लोजा रुम्बुशे के शिव जी के यहाँ पे मंदिर वहाँ है काफी दूर, और यहाँ से ये सारा नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ से नीचे जाने हैं लोजा रुम्बुशे के शिव जी यहाँ है, यहाँ देख सकते हैं, और हम पहुँच गए हैं गाइस। तो आखिरकार यहीं है जो आपको हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ आज, और लोजा रुम्बुशे का शिव जी का छाप है इधर। और ये देखिए, अच्छा जुआ ये देखिए, तो यहाँ पे उठ कर गया है तो अच्छा आप बता सकोगे यहाँ पे लोजा रुम्बुशे का क्या हिस्ट्री रहा है इधर? जैसे हमने सुना है ना जी पुराने लोगों से, हमारे बुजुर्गों से जी, तो रिबा में, वहाँ रिबा में आए कैसे प्रकट हुए तो मुझे पता नहीं, परंतु रिबा में वो मंदिर बना रहे थे, तो रिबा के जो लोगों ने सोचा पता नहीं कौन है ये, तो कोई तिब्बती बालक यहाँ क्या कर रहा है, तो उनको उन्होंने पकड़ा परेशान करने के लिए, तो पकड़ा तो उन्होंने, वो ऐसा बोलते हैं कि वो उन्होंने ये बहाना बनाया कि मेरा बसोला ऊपर रह गया छत पर, मैं पहले उसको लाता हूँ, तो वो छत पर चले गए, वो फिर उड़ के इधर आ गए, इधर आ गए डायरेक्ट, तो यहाँ बैठ गए बोल के। अच्छा यहाँ पे बैठ गए, तो इनका शासन पूरा अच्छा तरह से यहाँ पे छाप है, तो इस पत्थर में तो ये मेरे इनका जो आपका गठन क्या होता है यहाँ से बांधा हुआ, यहाँ पे केरक, यहाँ पे पेटी जैसा है, तो यहाँ से परे तक, तो इनका जो है यहाँ पे निशान जो देखा जो है ऐसे जब बैठे थे, तो इनका जो यहाँ पे जो केरक जो है इनका बेल्ट, तो इसका छाप आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। अब यहाँ इतनी हवा चलती है ना, हाँ जी, इधर बैठेंगे बिल्कुल हवा नहीं आती है। अच्छा इधर बैठेंगे तो कहीं भी हवा कत्ता या ना कत्ते लाल माहौल, यहाँ बचपन में बैठते थे ना, हाँ जी, इतनी हवा अभी तो नहीं है, शाम के टाइम इतनी हवा चलती है, बस बुरी हाल होता है। अच्छा तो तब इधर नहीं आई हवा, अच्छा तभी यहाँ पे वो आराम किया था, आराम किया था, तो आराम हवा नहीं आती कभी, तो कोई आराम से संबंध है ना, हाँ जी, तो फिर
उसके बाद फिर यहाँ उन दिनों में ये मकान घर कोई कुछ नहीं था। अच्छा, ये खाली था ना? खाली था। तो यहाँ से जो पहला घर था जहाँ अभी आपको ये बता रहे थे, अच्छा जी, वो रारंग का पहला घर है। अच्छा, जब हमारे गांव में हाजिरी लगता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। लास्ट का नाम क्या नाम था? बरस खानदान बोलते हैं, बरस खानदान, बरस खानदान का घर था ना। तो वहाँ पर उनके जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने यहाँ आके उनको उनको शक हुआ कि कोई ये कोई खास है, हाँ विद्वान है, लमा है, तो वो यहाँ आके वो धूप धाप से स्वागत करके ले गए थे घर में, ऐसा सुना था उन्हें। यहीं से ले गए उन्हें, रास्ता यही होना, उन्होंने ये घर नहीं था ना, मकान नहीं थे, ये खाली जगह था। तो फिर उनके घर में उन्होंने स्वागत भेजी किया, तो उसके बाद का तो पता नहीं, अब वहाँ से कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, उसका पता नहीं है। दो लड़के का वरदान दिया है, उठ करके आए थे, और ये चमत्कारी है। और यहाँ पे देखिए, इसी के बगल में जैसे यहाँ पे शुरू का पेड़ भी उगाया गया है कभी वो है, तो आसपास में कहीं शुरू का पेड़ नहीं है। सो आज देखिए कितना एक्साइटेड वाली दिन है हमारा, आने निमा पलमो के घर में, और लोसा रुम्बोशी के पिछले वाले अवतार का काफी पुराना इतिहास, और जो छोटे हैं जो पहले बाहर था तो अंदर अभी रखा गया, तो ये देख सकते हैं चौकांग, काफ़ी पुराना चौकांग है, तो लोसा रुम्बोशी का और बहुत साल पुराना। ये देखिए ये ही है, देखिए काफ़ी पुराना छोटे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा यानी निमा पलमो ना, तो इनका चौकांग देखिए काफ़ी खूबसूरत प्रकार से है, काफी पुराना मूर्तियां हैं गौतम बुद्ध के, और यहाँ पे गणपति है। तो यही है जो मैंने इससे पहले जो छाप दिखाया था, तो उसके बाद ये छोटे था तो उस जमाने का है, तो लोजा मुझे पहले बार था, तो इन्होंने अभी काफ़ी सुंदर प्रकार से यहाँ पे अंदर रखा गया हो इसको संभाल के हमारे कारम से जी। अगर ये दर्शन करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, ये रारंग गांव के बीचों बीच निमा पलमो के यहाँ पे घर पे। टिवरेज का पाइप इशारा है, गांव गांव में देख सकते हो, और काफी पुराना पुराना घर है यहाँ, और गांव के विकास के लिए यहाँ पे काम शुरू हो रहा है। सभी लोग यूपी से ना, और वेलकम टू सद्दुलामा ब्लॉग में आप सबको स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आज काफी अच्छा तरीका से हमें दर्शन मिला है, हमारा गुरुजी द्वारा यहाँ पे गाइड मिला है हमें, और लोसा रिंचे संघ पिछले अवतार वाले यहाँ पे पत्थर का छाप का साक्षात, और हमें यहाँ दर्शन मिला। धन्यवाद, और इसी के साथ विदा लेते हैं आपके सतुलामा।